अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब जो भी वीडियोस मोस्टली होंगी वो 90% इसी के रिलेटेड होंगी कि हमारे पास जो सेकंड ईयर का गेस्ट है, फर्स्ट ईयर का गेस्ट है, उसके अबाउट। ठीक है, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है उसके, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, वैसे आपने देखा होगा 90% वीडियोस में जो वीडियोस बनाने वाले होते हैं, वीडियो मेकर्स होते हैं, वो इनको ना रीड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जब आपके पास ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोग इनको फ़ौरन से देखें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और रेडी करें। अब मैं इनको अगर आपको बोल के बताऊँगा, पढ़ के बताऊँगा, उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेहतर है कि इससे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इजीली, ठीक है, तकरीबन देखें हर एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट के तौर पे लिए जा सकते हैं इजीली, तो आप लोग इधर स्क्रीनशॉट लेकर इनको इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरह चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 के ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मैं नहीं मानता कि अगर कोई FSC का स्टूडेंट है वो कम अज़ कम, यानी अगर उसे क्वेश्चन 35 एक चैप्टर में से दिए जाएँ तो वो इनको प्रिपेयर नहीं कर सकता। अगर वो इनको प्रिपेयर नहीं कर सकता तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये चैप्टर नंबर 18 है, ये चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट हैं। ठीक हो गया। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मैं आप लोगों को जो मेरी तरफ़ से हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट हैं, तो आप कोशिश करेंगे इन शॉर्ट्स को कम अज़ कम पेपर में जाने से पहले ज़रूर रिपीट करें। अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो मैक्सिमम आप लोग कोशिश करें कि जो ये शॉर्ट बताए गए हैं, जो जो चैप्टर्स बनते हैं, उनको आप लोग कवर कर लें। बाकी जो मेहनत करता है उसे उसका सिला मिल जाता है, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। अब ये जो RR किया हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जिस तरह वो कहता है गिव द लेंथ ऑफ वगैरह की ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, R लिखा हुआ है, वट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 21। अच्छा, आपने एक और चीज़ कोशिश करनी है कि आप लोगों ने पेरिंग को फॉलो करना है, पेरिंग को नहीं आप लोगों ने छोड़ना। जो बच्चा पेरिंग को फॉलो करता है ना, वही कामयाब होता है। बाकी भी होते हैं, लेकिन वो फिर वो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 90% आप लोगों ने पेरिंग को फॉलो करना है, पेरिंग के लिहाज से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और बुक की हेल्प चाहिए, ठीक है, उसके अबाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मेरा जो अपना जनरल सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है। ठीक है, मैंने एमफिल किया हुआ फिज़िक्स में। हाँ, आप लोगों को अगर उसके अबाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये जो गैस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ना, इनमें सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंक्लूड किए गए हैं, तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप लोगों का जो पेपर होगा ना, वो मोस्टली पेपर जो होगा ना वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आप लोग MCQs वगैरह के लिए मॉडल पेपर्स वगैरह या पास्ट पेपर्स वगैरह को ज़रूर रीड करें। ठीक है, उससे आप लोगों को आइडियाज़ होगा कि जो MCQs हैं वो आपको पेपर में किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये देखें, ये हमारे पास लास्ट चैप्टर के थे, अब ये हो चुके हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन।